हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं खुशहाल डागर। तो भाई आज आपके सामने खड़ी है अपनी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और ये भाई अपनी हुंडई वेन्यू। तो भाई मारुति में तो पेट्रोल इंजन ही आते हैं, तो ये अपनी पेट्रोल प्लस सीएनजी है। इसमें आता है भाई 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है 67 bhp और अपना 78 Nm का टॉर्क। और ये है भाई अपना डीजल इंजन जो कि जनरेट करता है अपना 89 bhp और 220 Nm का टॉर्क, यानी कि 220 Nm टॉर्क। ये आता है भाई 1400 cc इंजन के साथ में। तो आज इन दोनों के बीच में भाई ड्रैग रेस करते हैं, देखते हैं कौन सी जीतती है। तो मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। तो भाई अपना राउंड वन स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कौन सी जीतती है। मैं चलाऊँगा अपनी भाई वेन्यू और भाई चलाएंगे अपनी ये अपनी भाई सिलेरियो निकलती है बार बार। ये है अपनी एस्प्रेसो मिनी स्कॉर्पियो। तो भाई चलो करते हैं राउंड वन स्टार्ट, देखते कौन सी जीतती है भाई। वैसे तो है ही कंफर्म अपनी वेन्यू, पर फिर भी मैं मतलब जैसे नॉर्मल ड्राइव करते हैं भाई ऐसे चलाऊंगा, मतलब पूरी खींचूंगा नहीं से, मतलब जो बढ़िया जेन्युइन तरीके से होती है नॉर्मल सिटी ड्राइव होती है वो चलाऊंगा भाई। तो पहले तो भाई इसका एक बार भाई कह रही इसका पिकअप बहुत तगड़ा है, तो इसका ना एक बार वो कर देते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, देखते किसका तगड़ा है। तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल अपना बंद कर देते हैं, ये हो गया बंद। तो करते भाई पहले गियर में, तो तीन हॉर्न। तो भाई अब बजाते अपने हॉर्न, तो तीन हॉर्न पे स्टार्ट है। तो भाई काफी आगे निकल चुकी है वेन्यू अपनी एस्प्रेसो से। तो अब भाई नॉर्मल ड्राइव कर लेते हैं अपनी, 3000 rpm से ऊपर नहीं जाने दूंगा भाई। तो भाई अब अपनी एस्प्रेसो निकलती जा रही है इंस्टेंट पिकअप में जो भगाते हैं, तो भाई अपनी ये निकलती है। तो अब देख सकते हो अब मैंने 3000 rpm से ऊपर जाने नहीं दे रहा गाड़ी को। तो भाई अब अपनी बराबर टक्कर पे चल रही है, पांचवे गियर में गाड़ी लग रही है, 100-105 पे पहुंच चुकी है ये। तो एस्प्रेसो भाई ने मंदी कर ली। तो बात करते हैं अगर नॉर्मल ड्राइव की, अगर भाई उसको पूरी भगा रहे हैं और ये अपनी नॉर्मल चल रही है, तो भाई एस्प्रेसो ही जीतेगी, क्योंकि भाई अपना उसमें पूरी पावर जनरेट कर रही है वो। और भाई इसमें होता है कि अपनी पूरी पावर जनरेट नहीं कर पाती है अपनी, 3000 rpm तक हम इसको पुश कर रहे हैं। तो बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो एक बार सेकंड राउंड में भाई ट्राई करेंगे इस बार 3500 rpm तक, फिर देखते क्या रहता है। तो भाई राउंड टू स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी एस्प्रेसो निकल चुकी है आगे। तो भाई कह रहे थोड़ी सी इसको एडवांटेज दे देते हैं, ये आगे निकाल दी भाई थोड़ी। तो भाई अपना राउंड टू स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई बजाएंगे इस बार हॉर्न। तो भाई काफ़ी वेट रोड है, मतलब पावर इतनी जनरेट कर रही है गाड़ी, जो अपना स्टेयरिंग व्हील है वो मतलब ज़्यादा पावर होने की वजह से भाई इधर उधर मुड़ रहा है। तो भाई अब बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है, ये लगा लो आप। मैं 3000 rpm से इस राउंड में भी ऊपर नहीं जाने थी, पर फिर भी भाई वेन्यू आगे निकलेगी, देख सकते हो आप। तो भाई दो राउंड आपने देख ही लिए होंगे वीडियो में, तो कमेंट करके बताओ कौन सी विनर है। ठीक है भाई, मैं आप पे छोड़ता हूँ इस बात को कि कौन सी विनर है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई बात करते ये तो सीएनजी में चल रही थी भाई, मेरे को बाद में पता चला, तो इसको पेट्रोल में शिफ्ट करते हैं। अब देखते भाई इसमें क्या पता ज़्यादा पावर जनरेट करे। तो भाई अपना राउंड थ्री स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फाइनल राउंड। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो अपना वेट हो रहा है भाई रोड, मतलब गीला है भाई बारिश की वजह से। तो इसको ट्रैक्शन कंट्रोल इस बार ऑफ नहीं करते, अपने नॉर्मल ऑन है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो अब पुश करके देखते हैं, क्या पता एस्प्रेसो निकली जाए सच्ची में। तो भाई तीन हॉर्न पे है, मैं बजाता हूँ हॉर्न। तो इस बार देख सकते हो अब ट्रैक्शन की लाइट आई थी भाई इसमें, क्योंकि भाई मतलब रोड इतना स्लिपरी हो रहा है कि ड्रैग रेस करनी मुश्किल हो रही है। तो भाई पेट्रोल में तो आपकी ये एस्प्रेसो आगे निकल चुकी है वेन्यू से। तो भाई देख सकते हो 3000 rpm से ऊपर जा रही है, पीछे ही रखते हैं। तो इस राउंड में भाई अपनी जो एस्प्रेसो वो निकल चुकी है आगे। तो एक बार मैं पूरी ट्राई करके देखूंगा वेन्यू से, क्या पता वेन्यू जीती जाए। ये अपना भाई मुंबई हाईवे है दिल्ली वडोदरा वाला, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो भाई कमेंट कर देना अगर किसी भाई को ड्रैग रेस करनी हो। तो भाई फाइनल राउंड स्टार्ट करते हैं, इस बार भाई अपना फोन होल्ड करेंगे क्योंकि भाई मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रहा था। तो अब भाई अब करते हैं फाइनल राउंड स्टार्ट। तो तीन हॉर्न पे ट्रैक्शन कंट्रोल अपना ऑन ही रहेगा भाई, ऑफ नहीं करते इसको। तो
भाई देख सकते हो आप, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट आ रही है, वो वाली बात नहीं बन रही, टायर स्लिप हो रही है, पूरी पुश कर रहा हूँ भाई, क्या हो रहा है ये होंडा ही क्या है ये, मतलब मारुति से आ रही है वो भी 6 लाख की गाड़ी और ये 12 लाख की, तो मतलब भाई टक्कर तो देती जा रही है पर 80 तक उसने कहीं नहीं जाने दिया इसको, तो ये चीज़ भाई होंडा की सुधारो इस चीज़ को, अपने इंजन को थोड़ा इम्प्रूव करो, ये चीज़ गलत है, बताओ एस्प्रेसो से आ रही भाई कुछ इसका भाई थोड़ा लेट। तो भाई जो अपनी फाइनल विनर है वो अपनी एस्प्रेसो, भाई मेरे को कहते टाइम भी शर्म आ रही है कि मैं हुंडई वेन्यू का ओनर हूँ भाई, आनी चाहिए शर्म भाई, शर्म आ रही है सही बात पे आ रही है, 12 लाख कहाँ 6 लाख भाई, मैं तो सोच रहा था जीत जाएगी पर नहीं भाई, नहीं है भाई, अपनी एस्प्रेसो ले, किसी भाई को लेनी है तो एस्प्रेसो ले, वेन्यू को बिल्कुल मत लो भाई, दो आ जाती भाई 100 रुपये भाई, ये दूसरी सही बात है भाई, भाई सही कह रहे कहते हैं लोग भाई, ये मिनी स्कॉर्पियो भाई इस गाड़ी के लिए थम्स अप है भाई, भाई ट्रैक्शन कंट्रोल ये लगा लो आप, मतलब चौथे गियर में भी टायर स्लिप कर रहे थे, हालांकि मैंने इसमें स्टपनी डाल रखी है, अपनी स्पेयर टायर होता है जो, पर भाई क्या बताऊं मैं आपको, आज इसने दुखी कर दिया भाई, थम्स डाउन है, तो वैसे तो भाई अपनी दिल से प्यारी गाड़ी, पर कोई नहीं भाई, होता है कभी कभी होता है, तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।